चेन्नई का पहला मैच था डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटन से, जिसे फाइनल में हराकर चेन्नई ने उसका लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। पहले ही मैच में ऋतुराज गायकवाड़ पूरी लय में दिखे और उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में ही 92 रन जड़ दिए, जिसकी बदौलत चेन्नई ने गुजरात को 179 रनों का टारगेट दे दिया। हालांकि शुभमन गिल की 36 गेंदों में खेली गई 63 रनों की पारी से गुजरात ने ये टारगेट 4 गेंदे पहले ही चेज करके चेन्नई को 5 विकेटों से हरा दिया। लेकिन धोनी की टीम सीएसके ने अपने दूसरे ही मैच में लखनऊ के खिलाफ कमबैक करते हुए केएल राहुल की टीम को 12 रनों से मात दे दी, जब चेन्नई ने उसे 218 रनों का बड़ा टारगेट दे दिया था, जिसमें कायल मेयर्स की तेज 50 और निकोलस पूरन की आक्रामक बल्लेबाजी से लखनऊ की टीम इस टारगेट के नजदीक तो पहुंच गई थी, लेकिन मोइन अली की घातक गेंदबाजी के सामने पूरे 20 ओवर खेलकर भी इस टारगेट को चेज नहीं कर सकी और चेन्नई ने लखनऊ को हराकर इस साल अपना पहला मैच जीत लिया था। लेकिन आगे चेन्नई का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उसका अगला मैच था मुंबई इंडियंस के साथ। रोहित शर्मा की वो टीम जो चेन्नई को हमेशा कड़ी टक्कर देती आ रही है, लेकिन इस बार चेन्नई के किंग्स ने मुंबई को बड़ी ही आसानी से 7 विकेट्स और 11 गेंदे पहले ही हरा दिया, जब मुंबई ने पहले खेलते हुए सिर्फ 157 रन बनाए थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन देकर ईशान किशन, कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों के विकेट चटका दिए थे, जो चेन्नई को बड़ा टारगेट दे सकते थे। चेन्नई के लिए अजिंक्य रहाणे ने इस मैच में कमाल की पारी खेली, जब उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में ही 61 रन बना दिए थे और चेन्नई को इस सीजन की अपनी लगातार दूसरी जीत मिली। लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस फिर से जीत की पटरी से उतर गई थी, जब उन्हें अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स से हार का सामना करना पड़ गया था। हालांकि ये मुकाबला काफी रोमांचक था, क्योंकि राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन बनाए थे और जवाब में चेन्नई की टीम भी 172 तक पहुंच गई थी। लेकिन चेन्नई के फैंस निराश तो तब हुए जब 15 गेंदों में 25 रन बना चुके जडेजा और 17 गेंदों में 32 रन बना चुके धोनी के क्रीज पर मौजूद होने के बावजूद उनकी टीम 3 रनों से मैच हार गई। हालांकि धोनी ने संदीप शर्मा के आखिरी ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर अपना काम आसान कर लिया था, लेकिन संदीप शर्मा ने आखिरी गेंद इतने टिकाने पर गिराई कि उस गेंद पर धोनी भी बाउंड्री नहीं लगा सके और चेन्नई ये मैच हार गई। ये चेन्नई की इस सीजन अपने ही होम ग्राउंड पर पहली हार थी, पर अगले ही मैच में धोनी की सीएसके ने आरसीबी जैसी मजबूत टीम को उसी के घर में घुसकर हरा दिया था और इस जीत के हीरो रहे थे डेवन कॉनवे, जिन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में ही 83 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी वजह से ही चेन्नई 226 जैसा बड़ा स्कोर बना सकी। हालांकि यहां चेन्नई को बड़ी जीत नहीं मिली, वह सिर्फ 8 रनों से यह मुकाबला जीती थी, क्योंकि इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल नाम का भी तूफान आया था, जिसने सिर्फ 36 गेंदों में ही 76 रनों की पारी खेली थी और इस चेज में उनका बाखूबी साथ निभाया था कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने, जिन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 62 रन तो जड़े, लेकिन उनकी टीम आरसीबी 208 तक ही पहुंच पाई और चेन्नई ने 8 रनों से यह मैच अपने नाम कर लिया। आरसीबी को हराने के बाद चेन्नई का अगला मैच एक ऐसी टीम के साथ था जो इस पूरे सीजन अपनी लैप पकड़ ही नहीं पाई, टीम सनराइजर्स हैदराबाद, जो पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 134 रन ही बना सकी, क्योंकि जडेजा ने यहां भी कमाल किया और अपने 4 ओवरों में सिर्फ 22 रन देकर 3 खिलाड़ियों के विकेट चटका दिए थे, जिसके लिए वह मैन ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन बल्लेबाजी में एक बार फिर चेन्नई के हीरो रहे डेवन कॉनवे, जिन्होंने 77 रनों की पारी खेलकर चेन्नई को 8 गेंदे पहले और 7 विकेटों से बड़ी जीत दिला दी। माही की टीम चेन्नई यही नहीं रुकी, उसने अगले मैच में केकेआर को उसी के घर में हराकर जीत की हैट्रिक लगाकर सबको हैरान कर दिया और दिखा दिया कि वह इस बार भी चैंपियन बनने के लिए ही खेल रही है। ईडन गार्डन्स में एक बार फिर गायकवाड़ और कॉनवे का बल्ला तो चला ही, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने सिर्फ 29 गेंदों में नाबाद 71 रन जड़कर चेन्नई के बड़े स्कोर की नींव रख दी और बाद में शिवम दुबे ने भी 21 गेंदों में तेज अर्धशतक जड़कर चेन्नई के स्कोर को 235 तक पहुंचा दिया, जो केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा टोटल साबित हुआ और केकेआर की टीम सिर्फ 186 रन ही बना सकी और चेन्नई ने 49 रनों से यह मुकाबला बड़ी ही आसानी से जीतकर ट्रॉफी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसके अगले मैच में धोनी की टीम संजू सैमसन की राजस्थान को उसके घर में नहीं हरा सकी और सीएसके को 32 रनों से हार झेलनी पड़ी, जब यशस्वी जायसवाल चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और जायसवाल ने सिर्फ 48 गेंदों में ही 77 रन जड़कर राजस्थान के स्कोर को 202 तक पहुंचा दिया था। सीएसके की बैटिंग लाइनअप को देखकर ऐसा लग रहा था कि चेन्नई यह टारगेट हासिल कर लेगी, लेकिन उस दिन ना तो डेवन कॉनवे चले, ना ही अजिंक्य रहाणे और ना ही अंबती रायडू, जिसका नतीजा ये रहा कि चेन्नई पूरे 20 ओवर खेलने के बाद भी सिर्फ 170 रन ही बना सकी। चेन्नई ने सिर्फ यही मैच नहीं हारा, वह पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना अगला मैच भी हार गई, जब डेवन कॉनवे ने 52 गेंदों में नाबाद 92 रन जड़ दिए और चेन्नई ने 20 ओवर में 200 का स्कोर बना दिया। लेकिन बड़ा स्कोर बनाकर भी चेन्नई को हार इसलिए मिली क्योंकि पंजाब की तरफ से सभी ने छोटी लेकिन तेज पारियां खेली, जिसमें लियाम लिविंगस्टन ने 24 गेंदों में 40 और प्रभसिमरन सिंह ने 24 गेंदों में सबसे ज्यादा 42 रन बनाए थे। यह वही मैच था जिसमें आखिरी गेंद पर पंजाब को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और सिकंदर रजा ने पंजाब के लिए यह
कारनामा करके दिखाया और उन्होंने पंजाब को चेन्नई पर रोमांचक जीत दिलाई थी। लगातार दो हार के बाद चेन्नई को बारिश ने भी खूब परेशान किया जब उसका अगला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होना था, लेकिन लखनऊ की पारी के आखिरी ओवर में तेज बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ गया और मैच दोबारा नहीं शुरू हो सका। हालांकि चेन्नई और लखनऊ को यहां एक एक पॉइंट दिया गया, लेकिन 10 में से 5 जीत और 4 मैच हारने के बाद चेन्नई का प्लेऑफ में पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगने लगा था। लेकिन चेन्नई ने अगले मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब पथिराना की घातक गेंदबाजी की आगे मुंबई की टीम सिर्फ 139 रन ही बना सकी और चेन्नई ने 18वें ओवर में ही बड़ी आसानी से 140 रनों के टारगेट को चेज करके मुंबई को करारी शिकस्त दी। इससे पहले कि चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने के रास्ते में कोई अड़चन आए, चेन्नई ने अगले ही मैच में दिल्ली को हराकर अपने प्लेऑफ का रास्ता साफ कर लिया। हालांकि इस मैच में चेन्नई की तरफ से किसी ने बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन फिर भी चेन्नई की टीम 167 रन बनाने में कामयाब रही, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स पूरे 20 ओवर खेलने के बाद भी सिर्फ 140 रन ही बना सकी और चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। केकेआर के साथ चेन्नई का अगला मुकाबला भी लो स्कोरिंग था। ऐसा माना जा रहा था कि चेन्नई को उसी के घर में हराना केकेआर के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन रिंकू सिंह की बदौलत केकेआर ने ये कारनामा भी कर दिखाया। जब चेन्नई ने पहले खेलते हुए सिर्फ 144 रन बनाए और दीपक चहर की घातक गेंदबाजी के आगे केकेआर का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन फिर कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर चेन्नई को आसानी से हरा दिया। लेकिन चेन्नई की टीम अपने आखिरी लीग मुकाबले में दिल्ली को हराकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्लेऑफ में पहुंच गई। जब गायकवाड़ और कॉनवे की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए ही 141 रन जड़ दिए और धोनी को यह कॉन्फिडेंस दिलाया कि वह क्वालिफायर मुकाबले में भी चेन्नई को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, इन दोनों की बदौलत सीएसके ने 223 रन बोर्ड पर लगा दिए, जिससे दिल्ली की टीम चेज नहीं कर सकी और सिर्फ 146 रनों पर ही निपट गई। फिर वो मैच आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफायर नंबर 1। इस अहम मुकाबले में एक बार फिर गायकवाड़ और कॉनवे का बल्ला चला। जब कॉनवे तो 40 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 44 गेंदों में 60 रन बनाकर गए और चेन्नई के स्कोर को 172 तक पहुंचा दिया। लेकिन जब गुजरात चेज करने उतरी, तब शुभमन गिल के अलावा कोई और बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका और देखते ही देखते गुजरात 157 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। हालांकि राशिद खान ने अंत में आकर सिर्फ 16 गेंदों में 30 रन जड़ दिए थे, लेकिन गुजरात को जीत दिलाने के लिए वह काफी नहीं थे और धोनी की कप्तानी में चेन्नई एक बार फिर फाइनल में पहुंच गई। लेकिन आईपीएल का रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को हराकर फिर से गुजरात टाइटन की टीम भी चेन्नई के साथ टक्कर लेने के लिए फाइनल में पहुंच गई। बारिश की वजह से यह मैच अगले दिन रिजर्व डे तक पहुंच गया, जिसमें रिद्धिमान साह, शुभमन गिल, साय सुदर्शन और हार्दिक पांड्या सब ने रन बनाए, जिसकी बदौलत गुजरात टाइटंस ने इस फाइनल मुकाबले में चेन्नई को 215 रनों का बड़ा टारगेट दे दिया। लेकिन बारिश की वजह से चेन्नई को 15 ओवर में 171 रनों का एक नया टारगेट मिल गया। चेन्नई की तरफ से भी कॉनवे, शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, अंबती रायडू, हर किसी ने रन बनाए, इसीलिए यह मैच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जब चेन्नई को फाइनल जीतने के लिए आखिरी दो गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। मोहित शर्मा आखिरी ओवर में 4 शानदार यॉर्कर्स फेंक चुके थे, जिस पर शिवम दुबे और जडेजा भी रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन फिर जड्डू ने 5वीं गेंद पर छक्का और आखिरी गेंद पर लेग साइड की तरफ चौका जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर चैंपियन बना दिया और सीएसके की टीम धोनी की कप्तानी ने 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बन गई, जिसके बाद पूरे स्टेडियम में चेन्नई की जीत का परचम लहराया गया और हर कोई धोनी की कप्तानी की तारीफ करने लगा, जिन्होंने अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों का बेहतरीन इस्तेमाल करके उन्हें एक मैच विनर बना दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चेन्नई की टीम धोनी की कप्तानी के बिना भी चैंपियन बन सकती है? आप भी इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें और आईपीएल और क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।